आपने कभी अपना एफडी कराया है? अगर हाँ तो अब आपको ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। कैसे? क्योंकि अब कुछ बैंक्स अपने एफडी इंटरेस्ट रेट्स को थोड़ा रिवाइज कर दिए हैं, बदल दिए हैं, और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जो अब आपको एफडी पर 9% तक का भी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो क्या आपका बैंक आपको 9% का एफडी इंटरेस्ट रेट दे रहा है? ये देखने के लिए और ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरी तरह देखें और ये जानें कि आपका बैंक आपको कितना परसेंट का एफडी इंटरेस्ट रेट दे रहा है। साथ ही इस वीडियो में आपको ये भी बताने वाली हूँ कैटेगरी वाइज कि कौन से ऐसे टॉप 10 बैंक्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट, कौन से ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, टॉप 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, कौन से ऐसे टॉप NBFC बैंक्स हैं, और साथ ही स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हैं ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आज आप 1 ईयर FD कर रहे हैं, 2 ईयर FD कर रहे हैं, 3 ईयर या फिर 5 ईयर FD ही क्यों ना कर रहे हो, कौन से ऐसे बैंक्स हैं जो आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स दे रहे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नमिता पांडे और आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका वेट कर रहे हो, फौरन इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले क्विकली ये जान लेते हैं कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। मैं आपको बता दूं, हमारे देश में, इंडिया में, अबाउट 95% इंडियन फैमिलीज ऐसे हैं जो अपना पैसा आज भी फिक्स्ड डिपॉजिट में सेव कर रखते हैं। ये फिक्स्ड डिपॉजिट इतना पॉपुलर है कि आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि फिक्स्ड डिपॉजिट क्या होता है। जिनको नहीं पता, जो नए हैं, मैं आपको फिर से बता दूं कि फिक्स्ड डिपॉजिट एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है जो बहुत सारे बैंक्स और NBFCs द्वारा हमें प्रोवाइड किया जाता है। तो आज चाहे आपका बैंक अकाउंट किसी प्राइवेट बैंक्स में हो या फिर पब्लिक बैंक्स में हो, कहीं भी आपका बैंक अकाउंट ओपन हुआ हो, खुला हुआ हो, तो वो सारे ही बैंक्स आपको FD ऑफर करते हैं, यानी कि फिक्स डिपॉजिट ऑफर करते हैं। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट एक तरह का सेविंग्स होता है जो हमें इंकरेज करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे अपने बैंक पे सेव करें और उस पर इंटरेस्ट कमाएं, उस पर ब्याज कमाएं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि FD इसलिए पॉपुलर है क्योंकि ये हमारे सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे करता है कंपैरेटिवली। शायद यही कारण है कि आज भी बहुत सारे इंडियन फैमिलीज अपने पैसे फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है और साथ ही ये रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है उनके लिए। तो चलिए ये भी जान लेते हैं कि फिक्स डिपॉजिट कैसे काम करता है। तो फिक्स डिपॉजिट, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि आप एक अमाउंट, जितना भी आपका सेविंग्स हो, 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, जितना भी आपका सेविंग्स है, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आप एक समय के लिए ये पैसे जमा कर देते हैं और उस समय से पहले आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते, अपने प्रिंसिपल को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो आज आपने चाहे 5,000 का FD कराया होगा या फिर 10,000 का FD कराया होगा, अगर आपने 1 ईयर का कराया है, 2 ईयर का कराया है, या फिर 3 साल का कराया है, या फिर 5 साल का कराया है, जितने भी साल का आपने FD चूज़ किया है, जितना भी 10 ईयर आपने चूज़ किया है, उससे पहले आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को नहीं निकाल सकते, ये विड्रॉ अपना पैसा नहीं कर सकते। तो ये ऐसा ही काम करता है। तो जब आपका एक फिक्स्ड अमाउंट एक फिक्स्ड पीरियड के लिए सेव हो जाता है, यहाँ पे आप ऑप्शन आपके पास ये है कि ये जो इंटरेस्ट है आप पीरियोडिकली लें, या फिर मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली लें, या फिर मेच्योरिटी के बाद। जैसे अगर आपने 10 ईयर चूज़ किया है, 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स के बाद, 5 साल के बाद अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं, जब भी हम FD में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें पैसे लगाते हैं, तो ये 2 तरीके के ऑप्शंस आपके बैंक मैनेजर आपको पूछते होंगे। जब भी आप FD खोलने जाते हैं या फिर ऑनलाइन करते हैं, तो आपका बैंक वाला पूछेगा कि कौन सा टाइप का FD आपको कराना है। क्या आपको क्यूमुलेटिव कराना है या फिर आपको नॉन क्यूमुलेटिव FD ऑप्ट करना है। अभी क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव क्या होता है ये समझते हैं। तो क्यूमुलेटिव FD एक ऐसा FD ऑप्शन है जहां पर आपने आज एक फिक्स्ड अमाउंट सेव कर लिया है, इसमें इन्वेस्ट कर लिया है, लेट्स से 5,000 या 10,000 रुपये आपने क्यूमुलेटिव FD में सेव कर लिया है और इस पर आप इंटरेस्ट भी कमा रहे हैं, पर ये इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। रादर जब आपने 5 साल का FD करा दिया है, क्यूमुलेटिव FD 5 साल का करा दिया है, तो ये अमाउंट जो है 10,000 या 5,000, ये अमाउंट आपको मैच्योरिटी के बाद, यानी 5 साल के बाद, आपको प्रिंसिपल भी मिलेगा और साथ ही इस पर जो भी, जितना भी इंटरेस्ट आपने कमाया है ओवर 5 ईयर्स,
वो इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। तो 5 साल के बाद आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट सूद समेत मिल जाता है इन क्यूमुलेटिव FD। वहीं दूसरी ओर है, दूसरा ऑप्शन है नॉन क्यूमुलेटिव FD। अब ये नॉन क्यूमुलेटिव FD क्या होता है? यहाँ पर बेसिकली ये ऐसे लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जिनको एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए अपने लिए। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप एक रिटायर्ड इंसान हैं, रिटायर्ड पर्सन हैं, या फिर आज आप एक होम मेकर हैं और आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, एक पैसिव इनकम चाहिए, तो ऐसे में आपके लिए नॉन क्यूमुलेटिव FD अच्छा होगा, जहां पर हर महीने आपको एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जा रहा है, एक अमाउंट। तो नॉन क्यूमुलेटिव FD में जितना भी आज अगर आपने 5,000 या 10,000 इन्वेस्ट किया है, तो जितना उसका इंटरेस्ट है, अगर 6% का है, 7% का, 8% का, जितना इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं, वो इंटरेस्ट का अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से पेमेंट मोड को चूज करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेमेंट मोड्स हैं, जैसे कि आप मंथली चूज कर सकते हैं, क्वार्टरली चूज कर सकते हैं, हाफ ईयरली यानी 6 महीने बाद, या फिर ईयरली भी आप चूज कर सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आप पर कि आपको कब वो इंटरेस्ट रेट का अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है। तो यही मेजर डिफरेंस है व्हेन वी टॉक अबाउट क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये प्योरली वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूमुलेटिव फिक्स्ड डिपॉजिट। तो अभी मैं आपको जो भी इंटरेस्ट रेट बताने वाली हूँ बैंक से, ये सारे ही क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट के ही इंटरेस्ट रेट्स बताए जा रहे हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से ऐसे टॉप 10 बैंक्स हैं जो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग इन फिक्स डिपॉजिट। तो चलिए देखते हैं ये टेबल। तो इस चार्ट में आप देख सकते हैं 3 कॉलम हैं। सबसे पहला कॉलम बोलता है नेम ऑफ द बैंक, यानी कि आपके बैंक का नाम। दूसरा कॉलम है जनरल फॉर जनरल सिटीजन्स, यानी कि जो आम नागरिक हैं उनके लिए है। और लास्ट कॉलम में बताता है फॉर सीनियर सिटीजन्स, यानी कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो भी इंटरेस्ट रेट बैंकों द्वारा दिया गया है वो। तो सबसे पहला बैंक है यहाँ पे SBI, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया FD, और जनरल सिटीजन्स को ये इंटरेस्ट रेट दे रहा है 3% से लेके 6.75% का। और वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ये इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, जो है 3.50% से लेकर 7.25% तक। दूसरा है HDFC बैंक, और ये भी जनरल सिटीजन्स को इंटरेस्ट रेट दे रहा है 3% से लेकर 7% तक। और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये इंटरेस्ट रेट थोड़ा बढ़ गया है, जो है 3.50 से लेकर 7.75% का। अगला है ICICI बैंक, जो दे रहा है 3% से लेकर 7% तक, और सीनियर सिटीजन्स को ये दे रहा है 3.50% से लेकर 7.50% तक। अगला है IDBI बैंक, जो दे रहा है 3% से लेकर 6.25% तक, जो है जनरल सिटीजन्स के लिए। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ये लोग दे रहे हैं 3.50 से लेकर 7%। अगला है कोटक महिंद्रा बैंक। तो अगर आपका अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में है और आपने FD खोला है, तो ये बैंक आपको 3.75% से लेकर 6.80% तक का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। अगर वहीं आप एक सीनियर सिटीजन हैं और आपने कोटक महिंद्रा बैंक में अपना FD खुलवाया है, तो आपको मिल रहा है 3.25% से लेकर 7.50% का इंटरेस्ट रेट ऑन FD। अगला है RBL बैंक, जिसका इंटरेस्ट रेट है 3.25% से लेकर 7.55%, और सीनियर सिटीजन्स को ये दे रहे हैं 3.75 से लेकर 8.05% का इंटरेस्ट रेट। अगला है KVB बैंक, जो दे रहा है 4% से लेकर 7.25% का इंटरेस्ट रेट फॉर जनरल सिटीजन्स, और सीनियर सिटीजन्स के लिए दे रहे हैं 5.90% से लेकर 7.65%। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक, और ये दे रहे हैं 3.50% से लेकर 7.25% का इंटरेस्ट रेट, और सीनियर सिटीजन्स के लिए है 4% से लेकर 7.75%। अगला है कैनरा बैंक, जो दे रहे हैं 3.25% से लेकर 7%, और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये ऑफर कर रहे हैं 3.25% से लेकर 7.50%। ये सिमिलर है जनरल सिटीजन्स और सीनियर सिटीजन्स का, बट यहाँ पर सीनियर सिटीजन लोगों को 0.50% एक्स्ट्रा मिल रहा है। और आखिरी बैंक है एक्सिस बैंक, जो दे रहे हैं 3.50% से लेकर 7% का इंटरेस्ट रेट फॉर जनरल सिटीजन्स, और वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए है 3.50% से लेकर 7.75%। तो अब हमने देखा कि कौन से ऐसे टॉप 10 बैंक्स हैं जो आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं ऑन FD फिक्स्ड डिपॉजिट। आगे बढ़ते हुए अब ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे टॉप NBFCs, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज हैं, जो आपको हाईएस्ट FD इंटरेस्ट रेट्स दे रहे हैं। फिर से चलते हैं चार्ट पर और चार्ट से समझते हैं। तो यहाँ पे चार्ट में सबसे पहला नाम दिया गया है LIC हाउसिंग फाइनेंस FD।
इसका टेन्यर है 12 मंथ से लेकर 60 मंथ तक और ये जनरल सिटीजन्स लोगों को दे रहा है इंटरेस्ट रेट ऑन एफडी 6.75% से लेकर 7.40% तक और ये है फॉर द डिपॉजिट अप टू 20 करोर फॉर क्यूमुलेटिव। वहीं ये सीनियर सिटीजन्स को दे रहे हैं 7. से लेकर 7.65% का इंटरेस्ट रेट ऑन एफडी। अगला एनबीएफसी है पीबीएन हाउसिंग फाइनेंस एफडी और यहाँ पे ये जनरल सिटीजन्स को इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 7. से लेकर 7.55% और वही सीनियर सिटीजन्स के लिए है 7.25% से लेकर 7.75% और आखिरी है श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस जो जनरल सिटीजन्स को दे रहे हैं इंटरेस्ट रेट 7% से लेकर 8.30% का भी और सीनियर सिटीजन्स को ये सबसे ज़्यादा दे रहे हैं जो है 7.50% से लेकर 8.80%। तो अब हमने टॉप 10 बैंक्स देख लिया और साथ ही हमने देख लिया कौन से ऐसे टॉप NBFCs हैं जो आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं कि कौन से ऐसे स्मॉल फाइनेंस कंपनीज हैं जो आपको सबसे ज़्यादा फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि 9% तक का भी इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है ऑन एफडी। तो चलिए देखते हैं कौन से ऐसे स्मॉल फाइनेंस कंपनीज हैं जो आपको 9% तक का भी इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक जो जनरल सिटीजन्स को दे रहे हैं 4 से लेकर 8.51% का इंटरेस्ट रेट। वहीं ये सीनियर सिटीजन्स को दे रहे हैं 4.50% से लेकर 9.26% का भी इंटरेस्ट रेट। वहीं दूसरा है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आपको दे रहे हैं 3.75% से लेकर 8% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये इंटरेस्ट रेट है 4.50% से लेकर 8.75% का। अगला है ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आपको 4 से लेकर 8% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं और वही सीनियर सिटीजन्स के लिए है 4.50% से लेकर 8.50%। अगला जो बैंक है सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक और यहाँ पर वो जनरल सिटीजन्स को दे रहे हैं 4.50% से लेकर 8.50% का इंटरेस्ट रेट। सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे ज़्यादा है जो है 4.50% से लेकर 9% का भी इंटरेस्ट रेट। अगला है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 3.75 से लेकर 7.85% और सीनियर सिटीजन्स को दे रहे हैं 4.70 से लेकर 8.80% का इंटरेस्ट रेट। अगला स्मॉल फाइनेंस बैंक है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आपको वही 4 से लेकर 8% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं और सीनियर सिटीजन्स के लिए थोड़ा बढ़ा हुआ है जो है 4.75 से लेकर 8.75%। और आखिरी है इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 3.50 से लेकर 8% तक जो है जनरल सिटीजन्स के लिए और सीनियर सिटीजन्स के लिए है 4% से लेकर 8.50% का। तो अब हमने देख लिया टॉप 10 बैंक और टॉप NBFCs जो आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं और साथ ही अब हमने ये भी देख लिया कि कौन से ऐसे स्मॉल फाइनेंस कंपनीज हैं जो आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं स्पेशली अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं। तो पर यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो NBFCs हैं और साथ ही जो स्मॉल फाइनेंस कंपनीज हैं वो कंपैरेटिवली थोड़े रिस्की हैं व्हेन कंपेयर टू जो अदर जो फर्स्ट टॉप 10 बैंक्स हमने आपको बताए थे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो उससे कंपेयर करें तो ये दोनों जो बैंक्स हैं NBFCs एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स ये थोड़े रिस्की हो सकते हैं। तो जब भी आप अपना पैसा इन बैंक्स में लगाते हैं तो थोड़ा सोच समझ के इसमें लगाइएगा क्योंकि ये उतने सिक्योर्ड नहीं होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि अगर आज आप 1 ईयर FD करते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 2 ईयर FD करते हैं तब आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा, 3 ईयर FD करते हैं तो कितना मिलेगा और साथ ही 5 ईयर FD रखते हैं तो कौन से ऐसे टॉप बैंक्स हैं जो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, चाहे आज आप एक जनरल सिटीजन हैं या फिर एक सीनियर सिटीजन ही क्यों ना हो। तो चलिए चार्ट पे 4 ऐसे चार्ट्स देख लेते हैं जो आपको 1 साल से लेकर 5 साल तक जितने इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं वो आपको बताते हैं। तो आप जैसे अपने चार्ट पे देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में नेम ऑफ द बैंक, सेकेंड कॉलम में फॉर जनरल सिटीजन, थर्ड कॉलम में फॉर सीनियर सिटीजन्स। यहाँ पे जो पहला बैंक है जो आपको 1 साल के एफडी के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं वो है IDFC फर्स्ट बैंक जो जनरल सिटीजन्स को दे रहे हैं 6.75% का इंटरेस्ट रेट और सीनियर सिटीजन्स के लिए यानी कि बुजुर्ग लोगों के लिए ये 7.25% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं अगर आज आप 1 ईयर FD खोलते हैं तो। वहीं दूसरा बैंक है बैंक ऑफ इंडिया जो जनरल सिटीजन्स को दे रहे हैं 5.75% और सीनियर सिटीजन्स को दे रहे हैं ये 6.25% का इंटरेस्ट रेट। अगला है IDBI बैंक जो जनरल सिटीजन्स के लिए है 6.75% और सीनियर सिटीजन्स के लिए ये है 7.25%।
अगला है पंजाब नेशनल बैंक, जो दे रहे हैं 6.30% का इंटरेस्ट रेट फॉर जनरल सिटीजन्स, और सीनियर सिटीजन्स के लिए यह है 6.80%। वहीं अगर आपका अकाउंट कैनरा बैंक में है तो ये आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 6.75% का, और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो ये आपको इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं 7.25% का। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दे रहा है 6.75% का, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7.25% का। आखिरी है पंजाब एंड सिंध बैंक, जो जनरल सिटीजन्स को दे रहे हैं 6.30% का इंटरेस्ट रेट ऑन FD, और सीनियर सिटीजन्स को एक साल के FD के लिए ये दे रहे हैं 6.80%। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप 2 साल का FD कराते हैं तब आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहले बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक, जो जनरल सिटीजन्स को दे रहे हैं 7.50%, और बुजुर्गों को और सीनियर सिटीजन्स को दे रहे हैं 8% तक का भी इंटरेस्ट रेट ऑन 2-year FD। वहीं IDBI बैंक आपको दे रहा है, अगर आप एक जनरल सिटीजन हैं तो ये आपको देंगे 6.75%, और सीनियर सिटीजन्स को 7.50%। वहीं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जनरल सिटीजन्स को दे रहे हैं 6.30%, और सीनियर सिटीजन्स को 6.80%। और आखिरी है कैनरा बैंक, जो 2 साल के FD के लिए जनरल सिटीजन्स को 6.80% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, और सीनियर सिटीजन्स को 7.30% का इंटरेस्ट रेट। अब बात करते हैं हाईएस्ट 3-year FD इंटरेस्ट रेट्स की, और यहाँ पे सबसे पहले बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक, जो 7.50% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं फॉर जनरल सिटीजन्स, और सीनियर सिटीजन्स को 8% का। एक्सिस बैंक आपको देंगे 7% का इंटरेस्ट रेट, और वहीं अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आपको 7.75% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। वहीं IDBI बैंक आपको 6.20% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको देगा 6.25%, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.75%। और आखिरी है पंजाब एंड सिंध बैंक, जो जनरल सिटीजन्स को ऑन 3-year FD दे रहे हैं 6.25% का इंटरेस्ट रेट, और सीनियर सिटीजन्स के लिए है 6.75% का इंटरेस्ट रेट। और आखिरी में हम बात करने वाले हैं 5-year FD इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। यहाँ भी सबसे पहले बैंक का नाम है IDFC फर्स्ट बैंक, जो जनरल सिटीजन्स को 7% का इंटरेस्ट रेट देंगे, और सीनियर सिटीजन्स को 7.50%। आज मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो जनरल सिटीजन जो आम आदमी हैं उनके मुकाबले आपको 0.25% या फिर 0.50% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट रेट पे करते हैं सारे ही बैंक और NBFCs। उसी के साथ अगला बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जो 5-year FD के लिए दे रहे हैं 6.70% का इंटरेस्ट रेट, और वही सीनियर सिटीजन्स के लिए है 7.20% का इंटरेस्ट रेट। अगला है IDBI बैंक, जो जनरल सिटीजन्स को 6.25% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, और सीनियर सिटीजन्स को 7% का। अगला है कैनरा बैंक, जो आपको देंगे 6.50% अगर आप एक जनरल सिटीजन हैं, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 7%। अगला है एक्सिस बैंक, अगर आपका अकाउंट एक्सिस बैंक में है और आप एक जनरल सिटीजन हैं तो आपको 5-year FD के लिए 7% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 7.75% का। और आखिरी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आपको 6.25% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं, और सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो आपको 7.25% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो वेल, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको ये समझ आ गया होगा कि कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट अब आपको मिल सकता है ऑन फिक्स डिपॉजिट। हमने इस वीडियो में ये समझ लिया कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कैसे 2 तरीके के फिक्स डिपॉजिट होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव, और साथ ही हमने इतने सारे चार्ट्स के माध्यम से ये देख लिया कि अब आपको आपका बैंक कितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है ऑन फिक्स डिपॉजिट। साथ ही मैं आपको ये बता दूँ कि जब भी फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ये मेनली 2 रीजंस की वजह से होते हैं, 2 कारणों की वजह से होते हैं। एक बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से, और दूसरा जब कभी भी रेपो रेट बढ़ जाता है तब। और पिछले साल ही हमने ये देखा है कि RBI ने कम से कम 6 बार रेपो रेट को बढ़ाया है, तो यही शायद कारण है कि आज बहुत सारे बैंक जो हैं वो अपने फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं, इसीलिए आज हमें बढ़ता हुआ इंटरेस्ट रेट मिलेगा ऑन FD। तो ये जो साल है कुछ अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ से ही शुरू हुआ है लगता है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, और अगर लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको जानना है इन डिटेल कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कौन कौन से वैरायटीज है, टाइप्स ऑफ फिक्स डिपॉजिट है, और कहाँ और कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपको जानना है RD के बारे में या किसी भी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में, तो उसके लिए डाउनलोड कर सकते हैं आप फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से, जहाँ पर एक एक्सपर्ट मेंटर आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे उसे
दुगना कर सकते हैं और 10 टाइम्स भी आप उसे बढ़ा सकते हैं वाया इन्वेस्टिंग। तो हमारे फ्रीडम ऐप पर आपको बहुत सारे इन्वेस्टिंग ऑप्शंस मिलते हैं, सिखाए जाते हैं कि कैसे आप अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। और इसके अलावा हम आपको फार्मिंग और बिजनेस आइडियाज भी देते हैं और यहाँ भी आपको एक्सपर्ट मेंटर्स ही सिखाते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम। गेट वाइज, ब्रेक फ्री।